नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं गुजराती चेस जोन में। इससे पहले मैंने बैक टू बैक 9 वीडियो अपलोड कर दिए है d4 अगेंस्ट, हाउ टू प्ले अगेंस्ट d4, जिसमें मैंने क्वींस गैम्बिट के सामने एक्सेप्टेड वेरिएशन बताए थे, पोले सिस्टम के भी वेरिएशन बता दिए हैं। तो दोस्तों वो पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है। आज से मैं आपको आपकी फेवरेट लाइन, बहुत सारे लोगों की 70% लोगों की फेवरेट लाइन क्या होती है, करेक्ट e4। तो ज्यादातर लोग e4 खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और e4 पे मैंने रिसर्च किया है कि बहुत सारी ओपनिंग्स है, ब्लैक से रिप्लाई बहुत सारे हैं। अब आपकी पूरी तैयारी नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो पहले मैं e4 खेलता हूं। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्लैक e5 खेले या फिर d5 स्कैंडिनेवियन या फिर कैरोकान या फिर फ्रेंच डिफेंस, सिसिलियन डिफेंस, तो बहुत सारी चॉइसेस है। आलेखाइन डिफेंस, नाइट f6, d6, तो सभी चॉइस के सामने बहुत लंबी सीरीज बनने वाली है इस बार दोस्तों, क्योंकि बैक टू बैक e4 लाइन मैं आपको सिखाऊंगा जो आपकी बहुत ही फेवरेट लाइन है e4। तो e4 के सामने सबसे पहला जो हम सीरीज बना रहे हैं वो है e5, क्योंकि वर्ल्ड फेमस लाइन है e4 e5। बहुत सारे गेम्स मोस्टली आप डेटाबेस में चेक करोगे तो ज्यादा टॉप लेवल पे e4 e5 खेली गई है। अब इसके ऊपर मैं डीप में बनाऊंगा, उसके बाद बैक टू बैक e4 अगेंस्ट सिसिलियन के बारे में, e4 अगेंस्ट कैरोकान के बारे में, तो वन बाय वन आपको पूरी ओपनिंग बताऊंगा। हालांकि हर एक वीडियो थोड़े लेंथी रहेंगे और सीरीज भी थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको ओपनिंग सिखाना चाहता हूं e4 की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे e4 e5 नाइट f3, ब्लैक खेलता है नाइट c6। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बिशप b5 वाली लाइन, इसे कहते हैं रुई लोपेस। यहां पे मोस्टली ब्लैक का रिप्लाई होता है a6 और बिशप a4। अब इतने मूव्स में आज की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा विदाउट nf6, हालांकि यहां पे nf6 होता है इस मूव में, लेकिन पहले हम बात करेंगे nf6 बिना की लाइन। तो उसमें पार्ट वन में आपको रेयर लाइन दिखेगी, पार्ट वन जिसमें फोर्थ मूव में ब्लैक g6 करता है, फोर्थ मूव में ब्लैक नाइट g7 खेलता है, इसे आलेखाइन वेरिएशन कहते हैं, और फोर्थ मूव में ब्लैक बिशप c5 खेलता है। टाइमनोव वेरिएशन जो है उसमें फोर्थ मूव में ब्लैक b5 खेलता है। जेनिस गैम्बिट में f5 खेलते हैं और मॉडर्न स्टेज में d6, ये मॉडर्न स्टेज। तो चलिए यहां पे चैप्टर वन, आप मेरी तरह ऐसी बुक बना सकते हो पूरी ओपनिंग की जो मैंने तैयार की है। चैप्टर वन आप नाम दे दो, रेयर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं यहां पे रेयर सिस्टम यानी g6 पहले देखेंगे। g6 में आपको खेलना है d4। क्या खेलना है ध्यान रखो, कौन सी लाइन में, बोर्ड के ऊपर प्रिपेयर करना जरूरी है। कोई भी ओपनिंग प्रिपरेशन करने के लिए आपको गेम खेलनी जरूरी है, तभी वो मूव्स याद रहते हैं। रट्टा मारने से कोई भी मूव्स याद नहीं रहते। d4 में ब्लैक रिप्लाई देगा e takes d4। यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा c3, थोड़ा सा गैम्बिट टाइप का है लेकिन मजा आएगा खेलने में। dc3, यहां पे knight takes c3 और बाद में ब्लैक खेलता है बिशप g7 और यहां आपको खेलना है बिशप g5। अब यहां ब्लैक का रिप्लाई होता है नॉर्मली f6 ताकि आपके बिशप पे अटैक आए, और यहां पे आपको खेलना है बिशप f4 और फॉलोड बाय बिशप b3। इसके बाद का मूव होगा बिशप b3।
तो ये डायगोनल कंप्लीटली आपके फेवर में रहेगा, कैसल नहीं कर पाएगा ब्लैक, और आप अर्ली अटैक इस लाइन में कर सकते हो। हालांकि पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक ओनली वन पॉइंट प्लस है, लेकिन इस पोजीशन में वाइट के चारों चार माइनर पीसेस डेवलप हो चुके हैं और तुरंत कैसलिंग करने की रेडी तैयारी में है, और अटैक भी बहुत जल्दी होगा। तो इस पोजीशन में आप देख सकते हो ग्राफ में भी स्लाइट एडवांटेज वाइट को दिख रहा है। तो एक पॉन डाउन होने से कोई गेम लॉस नहीं हो जाता, अटैक जरूरी है। चलिए यहाँ पे हम फोर्थ मूव में Ng7 वाला वेरिएशन देखते हैं। ये हो गया Bg7। यहाँ पे ब्लैक ट्राई कर सकता है Nge7। Ng7 में आपको खेलना है C3 फॉलोड बाय D4। ब्लैक इसके बाद अगर G6 करता है तो उस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा D4। आफ्टर बिशप G7 यहाँ पे आपको खेलना है D5। तो ऐसा चेंज हो गया। नाइट A5 ये सबसे बेस्ट चॉइस होती है ब्लैक की, और यहाँ पे आपको खेलना है Nb2। सिंपल डेवलपमेंट और पोजीशन काफी हद से बेटर। Ng7 में बिशप C5 में आप क्या करोगे वो भी दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे ब्लैक को खेलते हैं बिशप C5 फोर्थ मूव में। ये सारी बातें फोर्थ मूव की हो रही है, याद रखो। इस पोजीशन में आपको खेलना है C3 फॉलोड बाय D4। यहाँ पे ब्लैक अर्ली अटैक करता है B5 और आपको बिशप B3 पे लाना है, ना कि C2 पे। B3 पे F7 पे टारगेट बना के रखना है और D5 पे कंट्रोल भी रहना है। तो ब्लैक रिप्लाई देगा D6 और यहां आपको खेलना है D4। E takes D4, C takes D4, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप B4 चेक, सिंपल नाइट C3। यहां पे बिशप G4 आ सकता है इस नाइट को पिन करके नाइट टेक्स पॉन की थ्रेट में, या सिंपल आपको कर देना है शॉर्ट कैसल। व्हाइट के कैसलिंग हो चुके, तीनों तीन माइनर पीसेस डेवलप हो चुके, बिशप भी ओपन है, तो कभी भी आप जल्दी अटैक कर सकते हो। आपका पॉन यहाँ पे मिस नहीं होगा। हालांकि अगर ब्लैक ने ये टेक्स कर लिया तो नाइट टेक्स D4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Qf7 चेकमेट है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं चैप्टर टू जिसे मैंने बताया था टाइमानोव अटैक। फोर्थ मूव में लाइन का नाम चेंज हो जाता है। Bc5 के बदले फोर्थ मूव में ब्लैक Bb5 करता है। यहाँ आपको खेलना है Bb3, नेचुरल मूव है। उसके बाद ब्लैक Nb5 करता है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बिशप को लेने का प्लानिंग है। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट कैसल कर लो। ब्लैक रिप्लाई देगा D6 और यहाँ आपको करना है सेंटर D4। नाइट टेक्स B3, अब आपको एक क्रॉस B3 मारना है। जनरली ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि जब भी बी फाइल पे कोई पीस मरता है तो उसे रिकैप्चर आप ए पोन से ही कर लीजिए। यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देगा F6, ये नेचुरल मूव है, क्योंकि पोन टेक्स पोन इसमें वाइट को ज़्यादा फायदा होता है, सेंटर आपके कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पे बुक में सजेस्ट किया है ब्लैक की मूव F6। वाइट में आपको खेलना है Nc3। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप B7 और नाइट H4। वन मोर अग्रेसिव अटैकिंग मूव, क्वीन H5 की थ्रेट के साथ आप खेल रहे हो। चैप्टर नंबर 1 था रेयर ऑप्शन, चैप्टर नंबर 2 था टाइमानोव वेरिएशन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जेनिस गैम्बिट, जिसमें F5 वाला वेरिएशन है। चलिए जेनिस गैम्बिट में फोर्थ मूव में F5। अब हम यहां पे रिप्लाई देंगे D4। अब यहां से दो वेरिएशन होंगे आपके पास, दोनों अलग अलग लिख सकते हो।
एक वेरिएशन है F क्रॉस E4, दूसरा है E क्रॉस D4। तो पहले दिखाऊंगा आपको F क्रॉस E4 वाला जो नाइट पे अटैक करता है, यहाँ आपको करना है नाइट क्रॉस E5। व्हाइट ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन H5, सॉरी क्वीन H4। यहाँ पे आपको कर देना है शॉर्ट कैसल, उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट F6, सिंपल डेवलपमेंट नाइट C3। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप D6, नाइट पे दो अटैक। यहाँ आपको करना है F4, ये पोजीशन से आपको खेलना है। हालांकि अगर एन पास से पॉन कैप्चर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट F3 से क्वीन पे अटैक भी होता है, H2 पे सपोर्ट भी होता है और पीस आपके ओपन। चलिए थोड़ा सा चेंजिंग है जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, E takes D4 के बारे में आपको क्या करना है ये ध्यान रखना। यहाँ आपको पॉन को एडवांस करना है E5। अब E5 क्या करेगा, F6 और D6 पे कंट्रोल कर रहा है, सिंपल। यहाँ ब्लैक रिप्लाई देता है बिशप C5 डिस्कवर और पॉन को सपोर्ट, डिस्कवर तो नहीं हो रहा है, सिंपल। यहाँ को करना है आपको शॉर्ट कैसलिंग, NGE7 कैसलिंग की तैयारी। तो यहाँ आपके पास बेस्ट चॉइस है बिशप B3 जो कैसलिंग को तुरंत रोकता है। ब्लैक रिप्लाई देगा D5, यहाँ आपको एंड पास से टेक्स कर लेना है। ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन D6 और यहाँ पे आपको करना है Re1, प्रेशर बनाए रखे और इस गेम में काफी अच्छे वाइट को फायदा है, स्लाइट एडवांटेज है, ज्यादा विन हो गया ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे वेरिएशन आपको सीखने हैं तो मेरे चैनल में लगे रहे, बहुत सारी ओपनिंग आपको सीखने को मिलेगी। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।